हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मोमोज बनाना सिखाऊंगी। मैं आज आपको किसी से मिलवाती हूँ, वो आपको सिखाएंगी मोमोज कैसे बनाते हैं। आप मिलिए इनसे, ये सुनीता दीदी है, इनकी मोमोज की शॉप है, ये बहुत अच्छे मोमोज बनाती हैं। तो मैंने सोचा आज ये आपको बनाकर बताएं और मैं भी सीख लूंगी मोमोज कैसे बनता है। तो आपको ये दो तरह की शेप बताएंगी मोमोज की, उसकी चटनी बताएंगी, प्रॉपर तरीके से कैसे बनता है पूरा बताएंगी। आप एक एक स्टेप देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। और वीडियो अच्छा लगे तो इनको एक लाइक जरूर देना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। ये एक पैकेट मैदे से मोमोज बना रही है, 1 किलो मैदा है। एक किलो में से थोड़ा सा मैदा बचा लिया है बेलने के हिसाब से। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, जैसे ये डाल रही हैं धीरे धीरे मैदे को एक साथ करते जाएंगे। ये आप इस तरह से इन्होंने आटा लगाया है, इसमें आटा हमें कैसे रखना है दीदी? सॉफ्ट लगना। अच्छा, बोल रही है सॉफ्ट आटा लगता है इसका, जैसे रोटी का लगाते हैं वैसे जी? हाँ, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है। तो इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना है। 2 से 3 मिनट तक हमें आटे को इस तरह से करना है जैसे दीदी कर रही है। इससे क्या मोमोज फटते नहीं है। अब इसे हम ढक के रख देंगे, इस तरह से इसे पैक करके रख देंगे। अब बाकी की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम 6 बड़े साइज के प्याज लेंगे। आज दीदी आपको दो तरह से मोमोज बताएंगी, एक पत्ता गोभी के, और आपने कभी सुना है घिया के भी मोमोज बनते हैं। आज ये बताएंगी घिया के मोमोज कैसे बनते हैं। तो 3-3 प्याज दोनों में काम आएंगी। इनका छिलका उतार लेंगे इस तरह से। छीलने के बाद हम इसको अच्छे से धो लेंगे। इस प्याज को हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। इसका ये वाला पार्ट हटा देंगे कि काफी हार्ड होता है ये। देखिए कितना बारीक प्याज काटी है। इसी तरह से हमें सभी प्याज को काटना है। हमें दो तरह की फिलिंग तैयार करनी है, इसलिए हमने इनको सेपरेट कर लिया है। ये छोटे साइज की एक घिया लेंगे, इसका पहले हमें छिलका उतारना है। इसको हमें कसना है, इसको मोटे साइज से कसना है इस तरह से। घिया पूरी कस गई है। इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक इसलिए डाल रही है दीदी, इसका हमें पानी अच्छे से निकालना है और ये काला नहीं पड़ेगा घिया नमक डालने से। घिया में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम दबा दबा कर इसका सारा पानी निकालेंगे और एक बॉल में जो हमने प्याज काटी थी सारी घिया को इसमें डाल देंगे। इतना सारा पानी निकला है इसमें, इसको हमें काम में नहीं लेना है। जिस बॉल में हमने घिया को कसा था उसी में हम इस पत्ता गोभी को भी कसेंगे। इसको भी हमें मोटे साइड से कसना है। पत्ता गोभी भी कस ली है, इसमें भी थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल 1/2 टीस्पून नमक डाला है, ज्यादा नहीं डालना। पूरा अच्छे से इसको मैश करेंगे। जिस तरह से दीदी कर रही है इसको दबा दबा के इस तरह से करना है जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। इसका भी सारा पानी निकालना है। नमक डालने से पानी अच्छे से निकल जाता है। इसको हम दूसरे बॉल में डाल देंगे। एक बॉल में पत्ता गोभी है, एक बॉल में घिया डाल दी है। अब दोनों की फिलिंग तैयार करेंगे। दोनों फिलिंग के लिए हमने 2 हरी मिर्च ली है, ये इतना सा धनिया है, इसको बारीक चॉप करेंगे।
तरह से बारीक धनिया चॉप कर दिया है, हाफ हाफ दोनों फिलिंग में डाल देंगे। मिर्च को बारीक चॉप करना है। इसको भी हम आधा आधा डाल देंगे। एक बड़ा पीस अदरक का लिया है, ये कम से कम 2 इंच का टुकड़ा है, इसका छिलका उतार देंगे। 2 टुकड़े कर लिए थे अदरक के, 1 टुकड़ा इसमें कसेंगे पत्ता गोभी की फिलिंग में, 1 टुकड़े को घिया की फिलिंग में कसेंगे। सबसे पहले हम घिया वाली फिलिंग तैयार कर रहे हैं, इसमें हम ये अजीनोमोटो डाल रहे हैं, ये करीब 1 चम्मच है, 1 छोटा चम्मच। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ठेलों पर रेस्टोरेंट पर मिलते हैं अपन को मोमोज, उसमें ये जरूर डलता है, इसे टेस्ट पर काफ़ी फर्क पड़ता है। ये थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, ये कितना डालना है? गीला, थोड़ी गीला होना चाहिए, तेल से थोड़ा सा गीला हो जाए उतना हमें तेल डालना है इसमें, थोड़ा सा और डालेगा अभी तक। इन्होंने 3 छोटे चम्मच डाल दिए हैं, अभी और जाएगा तेल? नहीं, बस हो जाएगा। बस इस तरह से इसका टेक्सचर दिखना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। घिया की फिलिंग रेडी है, इसको हम एक साइड में रख देंगे। इसमें भी अजीनोमोटो डलेगा, ये पत्ता गोभी की फिलिंग है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, पत्ता गोभी काफ़ी सूखा रहता है इसलिए इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलेगा, क्योंकि घिया पानी छोड़ती है, गीली रहती है। हमें ऑयल उतना डालना है सब्जियां एक दूसरे से बाइंड हो जाएं, थोड़ा सा ऑयल और डलेगा। इसमें करीब 7 से 8 चम्मच ऑयल डल चुका है, 6 छोटे चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक साइड में रख देंगे। मोमोज के लिए हम स्टीमर रखेंगे, मैं इडली स्टैंड में बना रही हूँ, आपके पास मोमोज का स्टैंड है तो उसमें बना सकते हैं। इसमें पानी डालेंगे, इसको इतना फिल कर लिया है, गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। उसके लिए पानी रख रहे हैं स्टीम करने के लिए, उसमें हम ये 3 टमाटर डाल रहे हैं चटनी के लिए। आप चाहे तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, लेकिन इसमें बर्तन और समय आपका दोनों ही बचेगा, तो मैं इसमें ही डाल रही हूँ। दीदी 3 टमाटर डाले हैं, ये साबुत लाल मिर्च हैं, ये कितनी लेनी है? ये जितना तीखा, आपकी जितनी तीखी मिर्च है उसके हिसाब से, जैसा भी आप तीखा पसंद करें। ये 8 से 10 मिर्ची ली है, इसमें इनको बॉईल होने देंगे। अब हमें इसे ढक के रखना है। अब हम आटे से मोमोज तैयार करेंगे। आटे को एक बार और 1 से 2 मिनट तक गूंदेंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां लेंगे, कितने साइज की लेनी है? बस इतना सा, दिखाओ, इतनी छोटी लोई लेनी है, क्योंकि हमें मोमोज की लेयर पतली बनानी होती है, मोटे मोमोज अच्छे नहीं लगते। इस तरह से हम छोटे छोटे गोले तैयार कर लेंगे। जब इसमें उबाल आने लग जाएगी तो हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। इस तरह से थोड़ी सी लोई तैयार कर ली है और इसमें हमने सूखा मैदा डाला है। इसमें हम सूखा मैदा लगाकर इसको पूड़ी की तरह बेलेंगे छोटा छोटा। आप देखिए इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए, इतनी पतली।
इस तरह हम सारी छोटी छोटी पूड़ी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों फिलिंग के लिए लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इनको शेप देंगे, दो तरह की शेप देंगे। घिया वाली हम लंबी शेप देंगे, पत्ता गोभी को गोल शेप में बताएंगे। सबसे पहले हम घिया वाले बना रहे हैं। एक एक चम्मच हम फिलिंग डालेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। इसको इस तरह से फोल्ड, पहले फोल्ड कर लेंगे, साइड से हम इस तरह से दबाएंगे और फिर एक एक लेयर इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और उसे चिपकाते जाएंगे दूसरी तरफ से। इस तरह सब सारी तैयार कर लेंगे। अभी टमाटर और मिर्ची पक गए, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। इनको आप ठंडा होने देंगे। अब हम पत्ता गोभी वाले तैयार करेंगे। इसकी हम गोल शेप देंगे। इसमें भी हम एक एक चम्मच फिलिंग रखेंगे सेंटर में। आप ध्यान से देखना गोल शेप किस तरह से दी जा रही है, किस तरह से फोल्ड कर रही हैं। इसको हमें चारों तरफ से फोल्ड करना है राउंड में। देखिए दोनों तरह की शेप तैयार है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। जिस भी जाली पे हमें मोमोज बनाने हैं, स्टीम करने हैं, उसको हम इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिससे मोमोज चिपके नहीं इससे, और इस पर अरेंज कर देंगे। हमें दूर दूर रखना है मोमोज को। आपकी प्लेट में जितने मोमोज आ जाते हैं आप उतने अरेंज कर सकते हैं। अब हम इनको स्टीमर में रखेंगे। पानी इस तरह से उबलना चाहिए जब हमें स्टीम करनी है। दीदी इसमें गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है या लो रखनी है? थोड़ी ज्यादा रखनी है। इसको मीडियम से हाई फ्लेम पर हमें स्टीम करना है। कितनी देर लगेगी इनको स्टीम होने में? 10 से 15 मिनट इनको स्टीम होने में टाइम लगेगा। ये चटनी मूंगफली से तैयार कर रहे हैं। ये रोस्टेड मूंगफली है, छिलका उतरी हुई। इसको जार में डाल देंगे। एक छोटी कटोरी ली है। टमाटर और जो लाल मिर्च को बॉईल किया था उसको डाल देंगे इसमें। टमाटर का छिलका निकाल लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा इंच टुकड़ा अदरक, एक बड़ा चम्मच देगी मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर अच्छा करने के लिए, चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। अब हमें इसे बारीक पीसना है। इसको ग्राइंड किया है तो ये थोड़ी थिक लग रही है। इसमें हम पानी मिलाएंगे थोड़ा सा, करीब चौथाई कटोरी पानी डाला है। इसको वापस से ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड किया है। आप थोड़ा खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा लेमन जूस डाल सकते हैं। देखिए चटनी बनकर तैयार है। देखिए मोमोज अच्छे से पक गए हैं। ये पके हैं या नहीं ये इसकी पहचान है। हम जब इनको उठाएंगे इस तरह से तो आसानी से उठ जाएंगे, ये चिपकेंगे नहीं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, इनको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मोमोज रेडी है, बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी बनाना, खाना एंजॉय करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।